White Peace, this is Karsh and welcome back in another episode of Go Gossipy. So, आज के इस वाले एपिसोड में मैं टेक्निकल हेमंत YouTube चैनल से हेमंत भाई को लेकर आ गया हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए. भाई जो है वो 3 से 4 साल से YouTube कर रहे हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में. आज हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उनके चैनल और उनके बारे में और आपको उन्हें क्लोजली जानने का मौका मिलेगा. तो हेमंत भाई कैसे हो आप अपने बारे में बता दो एंड साथ ही साथ अपने चैनल को भी इंट्रोड्यूस कर दो ऑडियंस को. सबसे पहले तो भाई मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने चैनल पर आने का मौका दिया. और बाकी भाई हम सब बढ़िया हैं. अपना भी एक छोटा सा चैनल है जिसका नाम है टेक्निकल हेमंत. अगर आपको टाइम मिले तो एक बार चेक करके ज़रूर देख लेना. ओके सो करेंटली आप कितने सब्सक्राइबर्स पे हो? करेंटली मेरे अभी 12,000 से ऊपर कुछ सब्सक्राइबर हैं. ओके और वीडियोस तो आपने काफ़ी अपलोड कर दिए होंगे क्योंकि आपको. हाँ वीडियो 400 से ऊपर डली हुई हैं. 400 से ज़्यादा वीडियो हो चुकी हैं. बहुत बढ़िया. सो जब आपने चैनल स्टार्ट किया था तब आप क्या मन में मोटिव लेके चले थे कि भाई मुझे इस चैनल पर क्या करना है और क्या आप वो चीज़ अचीव कर पाए हो? सबसे पहले तो मैंने जो चैनल स्टार्ट किया था सबसे पहले तो मैंने ऐसे ही हंसी खुल में मजाक में मतलब कि चैनल बना लिया था क्योंकि कई लोग मतलब सीरियसली नहीं रहते थे शुरू में, जो कि मैं भी सीरियस नहीं था यूट्यूब को लेकर. तो मैंने पहले ऐसे ही बना लिया था लेकिन बाद में पता चला कि इस यूट्यूब से अर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है. बल्कि आज के टाइम पर तो यूट्यूब को कई लोगों ने बिजनेस की तरह यूज कर रहे हैं. तो इसी प्रकार फिर मुझे भी अंदर ख्याल आया कि चलिए अर्निंग होगी और बढ़िया. फिर मैंने इसको सीरियसली लेना चालू किया. धीरे धीरे यूट्यूब से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखी, इसके बारे में नॉलेज ली और इसके बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया. फिर मैं यूट्यूब को बिल्कुल सीरियस हो गया. मैंने सोच लिया अर्निंग भी करनी है और फैम फॉलोइंग सब चीज़ तो मिलती है, इसी के कारण यूट्यूब पर आया मैं. तो जैसा आप सोच कर आए थे, क्या आप, अगर मैं आपसे बोलूँ जब आपने चैनल स्टार्ट किया था अगर उस साइड आप देखते हो तो क्या आप पाते हो कि आपने खुद को इम्प्रूव किया है? हाँ मैंने पहले के मुकाबले खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया. अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो पुरानी वीडियो की क्वालिटी या फिर कंटेंट कुछ भी कह लो बिल्कुल ही बेकार थे. ठीक है, पहले मेरे पास सैमसंग का एक छोटा सा मोबाइल था J2, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेकार थी. अगर आप मेरे चैनल पर पुरानी वीडियो देखोगे तो पुरानी वीडियो भी डली हुई हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेकार है और कॉन्टेंट भी ज़्यादा खास नहीं रहता था. मैं पहले वीडियो बनाता था तो अटक जाता बहुत ज़्यादा, लेकिन अब इतना नहीं अटकता. थोड़ा बहुत अटकता हूँ लेकिन इतना नहीं अटकता. पहले वीडियो बनाता था बहुत ज़्यादा अटक जाता था. अब तो मैंने भाई यूट्यूब की अर्निंग से ही मैंने ये मोबाइल भी ले लिया. ये मेरे हाथ में देख रहे हो, ठीक है, ये सब यूट्यूब की ही देन है. थोड़ा बहुत बैकग्राउंड मैंने नीचे भी अच्छा खासा सेटअप बनाया था लेकिन लाइटिंग के चक्कर में ऊपर आना पड़ रहा है क्योंकि अभी लाइटिंग की जुगाड़ ढंग से नहीं हो पाई है. बिल्कुल भाई, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका जो आगे का सेटअप हो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाए. सो यूट्यूब जब आपने स्टार्ट किया, मैं थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चंस पे आता हूँ कि जब आपने यूट्यूब स्टार्ट किया तब से लेके अभी तक में आप जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ करते हो, जैसे अभी आपने लाइट का कहा, आप ट्राईपॉड यूज़ करते होगे, स्मार्टफोन यूज़ करते होगे, तो कोई फ़र्क आया है और क्या आपको लगता है कि वो फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा भाई पहले के मुकाबले. पहले मेरे पास एक स्टैंड भी नहीं था, ठीक है. मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है कि आप घर पर ट्राईपॉड कैसे बना सकते हो, जो कि बोतल होती हैं पानी पीने वाली बोतल होती हैं, उसको काट काट के मैंने उसका स्टैंड बनाया था. और मैं पहले सिम का काम करता था तो सिम का एक छाता रहता था, ठीक है, अभी रखा है, आप कहोगे तो दिखा भी दूंगा. बताओ, दिखाऊं? नहीं 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 भाई. तो मैं रखा हुआ तो उसका मतलब वो डंडा रहता था स्टैंड, तो मैंने उसी से जुगाड़ करके अपना डाई यानी कि घर पर ही बोतल का स्टैंड बनाया था, जो कि मैंने वीडियो भी डाली हुई है. अगर आप चैनल पर देखोगे तो आपको मिल जाएगी. तो पहले ना स्टैंड था, माइक था ही नहीं, ये अभी ईयरफोन लगाया हुआ हूँ, इसी से अपनी वीडियो वगैरह चलती थी. और पहले फेस कैम भी नहीं बनाता था क्योंकि जब स्टैंड नहीं था, स्टैंड जब बनाया था शुरू में तो बैकग्राउंड वगैरह भी नहीं था. धीरे धीरे स्टार्टिंग की, पहले बोलूँ तो कुछ भी नहीं था, ना कैमरा स्टैंड मोबाइल माइक कुछ नहीं था, सब बेकार था, यानी कि काम चलाऊ भी नहीं था. धीरे धीरे सब सेट किया गया. और अभी बात करूँ तो मेरे पास दो स्टैंड है, यानी कि दो ट्राईपॉड है, एक छोटा है एक बड़ा भी है जो कि मैंने अभी नया लिया है, उसकी अनबॉक्सिंग भी डाल दी है. दो माइक है मेरे पास, एक सस्ता वाला एक वो है भाई M1 माइक है. और 3-4 मेरे पास मोबाइल भी आ चुके हैं आज की डेट में, ठीक है. काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया है मतलब. तो अगर मैं मोटे तौर पर बोलूँ तो
यूट्यूब से पैसा तो आता है, मतलब लोग जो समझते पैसा नहीं आता, तो यूट्यूब से पैसा तो आता है अगर आप मेहनत करते हो तो श्योरली आता है, करोगे तो जरूर आएगा पैसा। ओके, सो आपने जब से स्टार्ट किया है तब से कमेंट्स अच्छे भी आते हैं, कमेंट्स बुरे भी आते हैं, तो बुरे कमेंट से कभी आप डीमोटिवेट हुए क्योंकि मुझे आज यूट्यूब बंद ही कर देना चाहिए, ये कमेंट इतना ख़राब आ गया? मैं पहले बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता था, क्योंकि शुरू शुरू में जब अपन स्टार्ट करते हैं तो कोई कुछ आपको बुरा भला कह दे या कुछ भी कमेंट उल्टी सीधी डाल दे तो डीमोटिवेट हो जाते हैं शुरू शुरू में बंदे। तो मैं भी पहले ऐसे ही हो जाता था, मैं सोचता था यार इस बंदे ने ऐसी बात कह दी, बहुत गलत लगा, तो वीडियो नहीं बनाता था मैं काफ़ी दिन तक। फिर मैं सोचता था कि इस बंदे ने कहा है तो क्या सोच कर कहा है, उसने कुछ ना कुछ कमी तो देखी होगी मेरे अंदर या मेरी वीडियो के अंदर, तो मैंने उसको धीरे धीरे इम्प्रूव किया, ठीक है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, आप कितने भी इम्प्रूवमेंट कर लो, कितना भी अच्छा खासा वीडियो बना लो, लेकिन उनको गालियां देनी है यानी कि बुरी कमेंट करनी है तो वो करके ही रहेंगे, ठीक है, तो उनकी तो कुछ कह ही नहीं सकते। वो तो है, अगर आप 1 लाख सब्सक्राइबर लेके चलो, 10,000 लेके चलो या 1 मिलियन, आपको हेट कमेंट्स तो आते हैं, लोग आपसे हमेशा सेटिस्फाई नहीं हो सकते, क्योंकि हर किसी के दिमाग में एक चीज़ नहीं चल रही होती, सभी की सोच अलग अलग रहती है। जैसा कि भाई अभी YouTube पर कोई ऐसी वीडियो नहीं होगी जिस पर डिसलाइक ना हो, ठीक है। एग्जैक्टली, डिसलाइक का मतलब यही होता है कि सभी, हर किसी को वीडियो अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल सही बात कही आपने, हम हर किसी की तरह जो है कंटेंट नहीं बना सकते। तो फर्दर बात करते हैं आपके YouTube चैनल से ज़्यादा आपकी, मतलब जब आपने चैनल स्टार्ट किया था तभी आपके फैमिली भी होगी, आपकी फैमिली आपको थोड़ा सा ग्रेस करती होगी या इस चीज़ पर सपोर्ट करती होगी, तो वो सब कैसे होता था, थोड़ा सा सिनेरियो बताओ। सबसे पहले तो देखो, शुरू से मैं कोई काम वाम तो करता नहीं था, ठीक है, ओनली अपनी स्टडी थी, स्टडी अभी भी चल रही है, तो शुरू में मैं भी स्टडी करता था। जब अब स्टडी हमारी 2 बजे के बाद हमारे स्कूल की, ठीक है, पहले कॉलेज भी नहीं था, स्कूल था, तो वहाँ पे छुट्टी हो जाती थी हमारे स्कूल की 2 बजे के बाद, तो वो 2 बजे के बाद मैं घर पर आकर बस अपना मोबाइल ही चलाता रहता था, क्योंकि पहले मुझे मोबाइल का शुरू से ही शौक रहा, छोटे से ही मैंने मोबाइल चलाना लेना खरीदना बहुत ज़्यादा शौक चढ़ गया था, तो धीरे मैं मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाता था, तो धीरे धीरे वीडियो बनाने लग गया मैं धीरे धीरे, ठीक है। तो घर वालों को तो पहले पता नहीं था क्या करता है, ऐसे ही मजे में वो सोचते थे ऐसे ही अपना गेम वगैरह खेल रहा होगा या कुछ भी, तो धीरे धीरे उनको पता चला कि मतलब मैं काट पीट कर स्टैंड बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो भाई वो तो घर में ही बनाऊंगा, तो वो तो उनको दिखाई दे रहा, तो उन्होंने कहा ये किस लिए बना रहा है, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे वीडियो बनाऊंगा, तो उन्होंने शुरू में टोका नहीं, वो समझ रहे थे कि ऐसे ही हंसी मजाक में कोई अपना खेल वगैरह खेल रहा होगा, ठीक है। तो शुरू में मैं वीडियो बनाते गया, लेकिन जब टाइम हो गया, ठीक है, मान लो मेरे इससे पहले कई चैनल थे, ठीक है, तो उस पर पहले मैं वीडियो बनाता था, उस पर काफ़ी टाइम हो गया था, 6-7 महीने के आसपास हो गए, पर मैं वीडियो लगातार बना रहा था, उससे कुछ धीरे धीरे ग्रोथ हो रही थी, तो घर वालों ने कहा भाई क्या कर रहा है ये इतने दिन से, ठीक है, यानी कि 6-7 महीने हो गए, क्या कर रहा है ये वीडियो बनाता, समझ में नहीं आ रहा। तो फिर ज़्यादा कुछ मतलब वो कहते नहीं थे, बस वो अपना काम बता देते कि ये काम कर पहले, तब अपना ये फालतू का काम देखना, तो पहले मैं उनका काम करता था, फिर अपनी वीडियो वगैरह बनाता था, ठीक है। लेकिन अभी जब हम थोड़े बड़े हुए, जब इस टेक्निकल हेमंत चैनल पे काम किया, ठीक है, वो चैनल तो मेरे सारे बंद ही हो गए, डेड हो गए, तो जब मैंने इस चैनल पे काम किया तो इस चैनल पर घर वालों की पहले बहुत ही कम सपोर्ट थी, क्योंकि अब हम बड़े भी हो गए भाई, थोड़ी जिम्मेदारी भी आ गई, तो उसके बाद फिर मेरे मन में बस एक ही चीज़ थी कि मुझे सबसे पहले फर्स्ट पेमेंट लेके अपने घर वालों को दिखाना, क्योंकि तब तक तो उनको भरोसा होगा नहीं। मैं उनको अपने घर वालों को बहुत कहता था कि YouTube से बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, ये है वो है, मैं एक दूसरे लोगों की वीडियो दिखाता था, देखो इसका पेमेंट इतना आया, इसका इतना आया, तो वो कहते थे ये उन्हीं का आया है, तेरा नहीं आ पाएगा, ठीक है, तू अपना काम कर, बस ये फालतू की चीज़ों पर ध्यान मत दे। तो फिर धीरे धीरे मैं काम करता गया, तो फाइनली मेरा पेमेंट आ गया था, फर्स्ट पेमेंट, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट पेमेंट उनके बैंक में ही आया था, मेरी फैमिली के, ठीक है, मैंने अपने पेरेंट्स का ही अकाउंट नंबर लगाया था, तो उन्हीं के खाते में पहला पेमेंट आया था, तो वो फिर उनको भरोसा हो गया, हाँ चलो आता है पेमेंट, तो तब से अब कुछ कहते नहीं, अपना काम करो, जैसा कि मैं अभी बना ही रहा हूँ, अब तो सभी के सामने बना रहा हूँ, सभी को पता भी है। बिल्कुल, लेकिन यार पेमेंट आने से पहले भी आपको पता है मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया होता है, तो जब आपने क्राइटेरिया कंप्लीट करा तो मतलब कितना टाइम लग गया अप्रॉक्स आपको 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट करने में? पहले तो बहुत ही सरल इसका टारगेट था, ठीक है,
पहले था 10,000 व्यू करने होते थे ओनली चैनल पर और आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता था। अच्छा। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ठीक है, तो मेरे एक साथ के थे ठीक है, मैं आगे और कभी बताऊंगा, तो उन्होंने मैंने उनको ही देख के यानी कि चैनल स्टार्ट किया था, वो चैनल पे काम करते थे, हमारी रिश्तेदारी में ही थे फैमिली मेम्बर में, तो मैंने उनको देख के स्टार्ट किया, तो मेरा चैनल क्या हो रहा था मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो रहा था और उनके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन था, उनके पर ऐड आ रहे थे, तो उन्होंने पहले तो मतलब ये भी टारगेट नहीं था 10,000 वाला, पहले तो बस वीडियो बनाना चालू कर दो और आज चैनल बना लो, आज ही आपका चैनल मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता था, उसके बाद 10,000 का टारगेट आया, तो तब मैंने फिर अपना चैनल बनाया था, तो जैसे जैसे मेरा 10,000 व्यू का टारगेट कंप्लीट होने ही वाला था, तब तक यूट्यूब ने ये नया नियम निकाल दिया कि अब 1,000 सब्सक्राइबर एंड 4,000 आवर का वॉच टाइम कंप्लीट करो, फिर हम इस पर लग गए ठीक है। पहले मुझे मोनेटाइजेशन में बहुत दिक्कत आ रही थी, मैं तो उनसे बार बार कॉल करके कह रहा था, वो तो कह रहे थे हमारा तो ऐसे ही हो गया, तुम्हारे में पता नहीं क्या क्या ये नए नए सिस्टम आते आ रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे पता चला हाँ ये यूट्यूब का अपडेट वगैरह भी होता है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी वगैरह होती है, तो फिर मेरे 1,000 सब्सक्राइबर तो हो गए थे, बहुत जल्दी हो गए थे, लेकिन मुझे जो टाइम लगा और सबसे मेहनत लगी वो लगी मुझे 4,000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट करने में, तो वॉच टाइम मेरा कंप्लीट हाल फिलहाल नहीं हो रहा था, तो फिलहाल में मेरी एक वीडियो वायरल भी हो गई थी, रैंक हो गई थी, जिस पर मेरे 2,500 आवर का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया था, तो मेरा 1,500-1,500 का वॉच टाइम बचा था, जो कि फिर मैं लाइव आता था डेली क्योंकि लाइव से वॉच टाइम अच्छा खासा बढ़ता है, तो मैं डेली लाइव आकर मैंने फिर अपना वॉच टाइम कंप्लीट किया था और बहुत टाइम लगा था वॉच टाइम कंप्लीट करने का, ये मान लो 4 से 5 महीने लग गए थे वॉच टाइम कंप्लीट करने में मुझे। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है नए क्रिएटर के लिए, लेकिन अब जब मैं आपके चैनल को देखता हूँ तो आप इसी चीज़ पर वीडियो बनाते हो कि 4,000 आवर्स कैसे किया जाए, सो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देखकर लोगों को आप जो सपोर्ट कर रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने आके मैसेज किया, वैसे बहुत लोग करते होंगे कि भैया आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ कई लोगों ने मुझे वीडियो बना के भी दी है, कई लोगों ने स्क्रीनशॉट भी दिया है, और हो सके तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, एक बंदे ने जिसका फर्स्ट पेमेंट भी आ गया था और उस बंदे ने यही कहा था कि भाई सारी चीज़ मैंने आपसे सीख कर ही किया है और आज आपकी वजह से फर्स्ट पेमेंट आ गया और थैंक यू वगैरह भी करा था, बंदे का एक बार पेमेंट लग भी रहा था तो मैंने उसकी थोड़ी हेल्प कर दी थी, उसके अगले दिन ही उसके बैंक में पेमेंट आ गया था, वो कह रहा था भाई आधा तो मैं दे दूंगा, मैंने कहा भाई रहने दे यार अपने पास ही रख तो भाई कई लोगों के कॉल भी आते हैं मेरे पास, कई लोगों के अकाउंट हैक हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, तो बीच में मैंने एक बार अपना नंबर दे दिया था, तो इतनी भरपूर कॉल आ रही थी, मैंने कई लोगों की कॉल रिसीव की, कई लोगों की नहीं कर पाई होगी तो सॉरी तो कई लोगों की रिसीव कर ली जिनकी, तो उनकी भी काफ़ी समस्याओं का समाधान कर दिया था, एक दो केस ऐसे होते हैं जो कि उनका समाधान नहीं हो पाता, वरना ज़्यादातर केसों का समाधान हो जाता है। बिल्कुल, मतलब लोग जब भी बोलते होंगे तो आपको अंदर से कितना ज़्यादा खुशी होता होगा कि यार मैंने हेल्प करी तो इसका ऐसा हो गया, तो अभी तो हम जैसे नॉर्मल बात की आपके बारे में आपके चैनल के बारे में, फ़िलहाल में आप अपने चैनल को कैसे देखते हो इन फ्यूचर, यानी आने अगर मैं बात करूँ आने वाले 2 या 3 साल की, तो आपको क्या लगता है आपको कितना कुछ अचीव करना है? मैंने टारगेट रखा है आने वाली 2-3 साल तो खैर बहुत है ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल का टारगेट बताऊं तो मेरा जो 2021 का टारगेट है ठीक है, यानी कि जो आने वाली सन है नई साल आएगी 2021, तो उसमें मैंने टारगेट रखा है कि 2021 में कम से कम मुझे 5,00,000 सब्सक्राइबर गेन करने हैं ठीक है, कम से कम इतना टारगेट है मेरा, और किसी भी तरीके से करने हैं, देखते हैं वो पाते हैं कि नहीं, आपका सपोर्ट बना रहेगा सभी लोगों का तो भी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सो जैसा आपने कहा कि आपने टारगेट रखा हुआ है, सो ये सब अचीव करने के लिए हो सकता है आपने कुछ चॉकआउट भी किया होगा यानी कोई प्लान भी बनाया होगा, तो क्या कोई प्लान है जो आप यहाँ डिस्कस करना चाहोगे? प्लान क्या मतलब, अब मैंने वीडियो थोड़ी बहुत सोची हुई है, हिसाब से डालेंगे, अब कंटेंट अब थोड़ा क्वालिटी के साथ भी देंगे, पहले तो मैं क्या करता था एक एक दिन में एक एक दो दो वीडियो या डेली वीडियो डालता रहता था, लेकिन व्यू आई उतने नहीं आते हिसाब से, जब तक आप एक भले ही एक वीडियो बनाओ लेकिन अच्छी से बनाओ, ढंग से समझाओ, हर चीज़ अच्छी क्वालिटी कंटेंट सब चीज़ होनी चाहिए, तो यही मैंने सोच के रखा है कि आगे से अब जितने भी वीडियो डालूंगा भले ही 3-4 दिन में एक वीडियो डालूं लेकिन अच्छी खासी डालूंगा, और कुछ टॉपिक्स वगैरह सोच रखे हैं, अगर रैंक हो जाते हैं तो फिर जल्दी काम हो जाएगा और क्या है। बिल्कुल, मतलब 2021 काफ़ी ज़्यादा मेहनत भरा होने वाला है आपके लिए, तो बहुत स्ट्रगल करना है तो जैसा आप जो कंटेंट बनाते हो वो YouTube टिप्स से रिलेटेड होता है, ज़्यादातर YouTube ट्रिक्स से रिलेटेड होता है, तो क्या आप इसी नीश पे प्रोग्रेस करने वाले हो?
नहीं, ये टॉपिक अपन ने बहुत चला लिया, ठीक है, इस पर मुझे फायदा नहीं दिखा ज्यादा, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी चीज को, ठीक है, यूट्यूब पर ये मैंने सुना है, देखा है, आजमाया भी है कि यूट्यूब पर अगर आप कोई भी कंटेंट डाल रहे हो तो उस पर 6 महीने दिल लगाकर, मन लगाकर, सब काम लगा लो, 6 महीने उस पर फोकस कर लो, अगर रिजल्ट अच्छा खासा मिले तो उस पर बने रहो, वरना फिर चेंज कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने 6 महीने छोड़ो, मैंने 1 साल मन लगा के इस पर काम कर लिया यूट्यूब टॉपिक पर, लेकिन इस पर कोई रिजल्ट ज़्यादा अच्छा खासा नहीं है, ठीक है। सब्सक्राइबर बेस तो बढ़ गया है, जो कि मेरी 1-2 अदर कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो वायरल हो गई, इसके कारण सब्सक्राइबर बेस बढ़ गया, वरना मेरे साथ के कई चैनल मेरे तरह ही थे, यानी कि यूट्यूब से रिलेटेड ही वीडियो बनाते थे, जिनका भी हमारी तरह ही बंद सही चैनल, ठीक है, ना व्यू आ रहे हैं ना कुछ आ रहा है, तो इसलिए अब कैटेगरी चेंज करने की सोच रहा हूँ मैं, मोबाइल की टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे या अदर कैटेगरी देखेंगे, पर ये नहीं ये बिल्कुल बंद कर देंगे, मतलब धीरे धीरे थोड़ा बहुत तो देता रहेंगे लोगों को ज्ञान। बिल्कुल। तो जैसे ये वाली जो कैटेगरी है, इसको हमेशा से क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि लोग केवल व्यूज़ के लिए इस कैटेगरी पर वीडियो बनाते हैं। लाइकवाइज आपने जितने बड़े क्रिएटर्स देखे होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा वेबकास्ट पर, लेकिन उनका काम केवल यही है कि रोज़ रोज़ यही टॉपिक डालो। मैं, आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो रोज़ रोज़ इस टॉपिक पर वीडियो डालकर जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मिसलीड करते हैं वैसे लोग। और आपका उनके बारे में क्या ख्याल है, आपको लगता है ये चीज़ सही है? ये चीज़ बिल्कुल गलत है, और इसी के कारण मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज लोगों के दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है भाई, अब मान लो कोई डेली वीडियो बना रहा है कि 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाए, 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाए, अब उसने 10 दिन लगातार वीडियो बना दी, 1000 सब्सक्राइबर आज बढ़ाए, 1000 सब्सक्राइबर आज बढ़ाए, तो आपके 10 दिन में 10000 सब्सक्राइबर बढ़ जाने चाहिए अगर आप उनकी वीडियो देखते हो तो, भाई अभी तक क्यों नहीं बढ़े, ठीक है। मैं अपनी बात भी कर लूँ, मैंने भी पहले काफ़ी वीडियो डाली और भी अच्छे खासे आ जाते हैं, ठीक है, तो इसी के कारण मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मान लो मैं डेली वीडियो डालूँ, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, लेकिन बढ़े ना आपका, क्योंकि आप यूज तो करोगे नहीं ज़्यादा, और ज़्यादातर ट्रिक ये नहीं होती, ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है, जो कि मैं बार बार कहता हूँ और अभी भी बता दे रहा हूँ कि कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं है कि आपके 1-2 दिन के अंदर ही 1000 सब्सक्राइबर या जितना आपका टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए, ऐसी कोई भी ट्रिक या कोई जादू नहीं बना, ठीक है। कई लोग मुझसे कॉल करके कहते हैं कि भाई हमारे 1000 सब्सक्राइबर बढ़ा दो, तो मैं उनसे कहता हूँ भाई मेरे पास क्या जादू है, जादू मार दूँ मैं आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाए आज ही, तो मेहनत के ऊपर ही होता है। ऐसा जादू हो तो भाई हम ही अपने 10 चैनल ना मोनेटाइज करा लें। हाँ हाँ भाई, हमारे चैनल ही क्यों डले हैं फिर, आप भी समझ लो, हम डेली वीडियो डाल रहे हैं कि यार सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो हमारे और बाकी के चैनल है 1-2 पे भी हम लाखों लाखों में ले जाए। सोचा करो भाई, पर ऑडियंस मतलब सोचती नहीं है, बस उसने देख लिया थंबनेल पे लिखा है 1000 सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तुरंत क्लिक कर देगी, जैसे कि उसके अभी बढ़ ही जाएंगे अब वीडियो देखने के बाद। और मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जितने भी ये जो वीडियोस बनाते हैं बड़े क्रिएटर्स, उनकी ज़्यादातर ऑडियंस ही वही होती है जो कि जिनका खुद का ही चैनल मोनेटाइज नहीं होता। कभी मोनेटाइज नहीं होता ऐसी ऑडियंस का भी जो है चैनल, मैंने कभी नहीं देखा कि ज़्यादातर कमेंट ऐसे आ रहे हैं उनको कि भाई मेरा चैनल कल मोनेटाइज हो गया, थैंक यू वेरी मच, ऐसा वैसा। आप उनकी वीडियो में कमेंट देखोगे तो एक ही प्रकार की कमेंट मिलेंगी, मान लो अगर आप किसी यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हो तो उसके यूट्यूबर का नाम होगा कि इसके लिए लाइक करो, कि अपनी माँ के लिए लाइक करो, ये करो वो करो, अगर किसी को सब्सक्राइबर चाहिए तो लाइक करो, चैनल ग्रो करना है तो लाइक करो, मतलब कि ज़्यादातर कमेंट स्पैमिंग ही होती हैं जो इस प्रकार की वीडियो बनाते हैं, ठीक है, कंटेंट से रिलेटेड कोई कमेंट ही नहीं डालता, सभी सब्सक्राइबर बढ़ाने वाले ही बंदे होते हैं, नए नए यूट्यूबर होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब हम हमारे एंडिंग सेगमेंट में बढ़ रहे हैं, तो अब हम थोड़े बहुत लास्टली जो क्वेश्चंस पूछना चाहिए वो वाले क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे पहला कि आपने जब से YouTube स्टार्ट किया तब से लेके अभी तक आपने जैसे कहा काफ़ी ज़्यादा लंबा जंप आपने लिया है, तो अर्निंग में भी जंप आया होगा, और अगर आप जनता को बताना चाहो अप्रॉक्सीमेटली ही कि आप पर मंथ में कितना एडसेंस अर्न कर लेते हो, स्पॉन्सरशिप्स का नहीं बट अनदर देन स्पॉन्सरशिप्स और ब्रांड रिव्यूज़ वगैरह, आप कितना अर्न कर लेते हो केवल गूगल एडसेंस के थ्रू?
गूगल एडसेंस के थ्रू बताऊं तो मेरी अभी फिलहाल में पर मंथ अर्निंग नहीं आती, ठीक है, बिकॉज व्यू अपने इतने अच्छे खासे नहीं आ रहे, इसके कारण अपने ऐड भी इतने अच्छे खासे नहीं बनते जो कि हर महीने $100 बन जाए, बिकॉज यूट्यूब पेमेंट जब ही देता है जब आपके $100 कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं फिर भी अंदाजा बता दूँ तो मेरे 3-4 महीने के अंदर फर्स्ट पेमेंट आ जाता है, यानी कि 3-4 महीने के बाद मेरा पेमेंट रिलीज हो जाता है, 3-4 महीने के अंदर मेरे $100 बन जाते हैं, ठीक है, एक महीने का मेरा $30, $31, $32 ऐसा टारगेट रहता है एक महीने का। मतलब जो भी अगर इस वीडियो को देख रहा है कोई तो यूट्यूबर है, तो भाई देखो जब 12,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल स्ट्रगल कर रहा है तो फिर आप कौन से खेत की मूली हो। तो की बात करें तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अर्निंग जो है वो यूट्यूब एडसेंस के थ्रू यानी कि गूगल एडसेंस के थ्रू ये मान लो ना के बराबर होती है शुरू शुरू में, ठीक है, अभी मुझे इतनी अर्निंग गूगल एडसेंस से नहीं होती, गूगल एडसेंस से नहीं हुई जितनी कि मुझे स्पॉन्सरशिप से हो चुकी है, ठीक है, स्पॉन्सरशिप से काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है और बड़ा बड़ा तगड़ा तगड़ा पैसा मिलता है, ठीक है, जो कि गूगल एडसेंस से नहीं मिल सकता। बिल्कुल, ब्रांड रिव्यूज, रिव्यू यूनिट, साथ ही साथ पैसा, सब कुछ भाई एडवर्टाइजमेंट पे वेस्ड है। आपको अगर लग रहा है कि गूगल एडसेंस हम लोगों का प्राइमरी सोर्स है तो बिल्कुल नहीं, अभी इस वाली वेबकास्ट के पहले भी एक ऐड चला होगा किसी ना किसी ब्रांड का, तो हम लोग भाई एडसेंस से कुछ नहीं कमाते, ज़्यादातर हमारा स्पॉन्सरशिप से अर्निंग होता है। फाइनली मैं आपसे लास्ट 2-3 रैपिड फायर पूछना चाहूँगा कि अगर आप YouTube पर हो तो आप कितने साल का सिनेरियो लेके चल रहे हो कि भाई मेरे को इतने साल और काम करना है, या कभी YouTube छोड़ने जैसा ख्याल कुछ आया हो दिमाग में? कभी ये ख्याल ही नहीं है कि मैं YouTube छोड़ूंगा, भले ही कितना भी टाइम हो जाए, मैं ये ठाना है जब तक अपनी ग्रोथ नहीं होगी तब तक चलते ही रहेंगे, ठीक है, छोड़ना ही नहीं है भले ही कितना भी टाइम हो जाए। बिल्कुल सही, काफ़ी अच्छा आपका ये वेबकास्ट रहा है। और फाइनली मैं आपसे जो एक सवाल मैं हर वेबकास्ट में हर गेस्ट से पूछता हूँ कि गो गॉसिपी में आकर आपको कैसा लगा और क्या आप आगे भी हमारे शो में आना चाहोगे? मैंने शुरू में ही कह दिया था कि सबसे पहले तो थैंक यू और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग है भाई, और पहली बार मैं सबसे पहले आपके चैनल पर ही आया हूँ, तो भाई आगे तो ज़रूर ही आएंगे, जब पहली बार में इतना मज़ा आ रहा है तो आगे तो और मज़ा आएगा भाई। बिल्कुल, टाइम की शॉर्टेज ना होती तो क्या पता ये वेबकास्ट 1 घंटा भी मैं करने का प्लान करा हुआ था, अब टाइम कम है तो इतना ही रिव्यूज़ हो पाएगा। और टेक्निकल हेमंत भाई के यूट्यूब का साथ ही साथ इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर ज़रूर से चेकआउट करो। और अगर आप आ रहे हो टेक्निकल हेमंत भाई के चैनल से तो यार मुझ गरीब पर भी कृपा बरसा दो, थोड़ा सब्सक्राइब करके नीचे लाल बटन है उसे दबा दो। बिल्कुल, अब तो देखो अब तो भाई ने कह दिया यार, अब तो करना ही पड़ेगा। इंस्टाग्राम का भी लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब मिल जाएगा आपको, जाओ ज्वाइन करो, मज़े करो। आज के इस वाले वेबकास्ट को एंड करते हैं, इस तरह से और भी एपिसोड्स आने वाले हैं तो बने रहिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मज़ा आएगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दिस वीडियो इज पावर्ड बाई एडकॉम, जो कि बनाते हैं काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे काफ़ी अच्छे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। अगर आप परचेस करेंगे इनका वायर्ड हेडफोन एंड दी वायरलेस माउस फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आपको देखने मिलेगा फ्लैट 10% डिस्काउंट। तो किस बात का वेट कर रहे हैं, जाइए और परचेस कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद। एडकॉम, अफोर्डेबल एवरीडे।